हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ दूध की खीर। उसके लिए आपको चाहिए ड्राई फ्रूट्स, ले लिए हैं मैंने काजू बादाम, जितने भी आप लेना चाहें खुद ले लेंगे। यहाँ पे लूंगी मैं नारियल, थोड़ा सा नारियल मैंने ग्रेट कर लिया है कद्दूकस, थोड़ा सा बस 2 टेबल स्पून के करीब। और यहाँ पे लेंगे सूजी, सेमोलिना सूजी लेंगे आप। सूजी को आप, 1 कप सूजी है मेरे पास और 2 टेबल स्पून के करीब मेरे पास घी है, यहाँ पे देसी घी। मैं काजू और बादाम को फ्राई कर लूंगी। बादाम मैंने निकाल लिया है और उसमें डाल देंगे नारियल। नारियल डालने से 2 ही सेकंड के बाद ही आप सूजी डाल देंगे उसमें। सूजी को आप अच्छी तरीके से भून लें, अच्छा कलर आने तक मैं भून लूंगी इसको। ऐसा कलर आ जाए सूजी का, इस तरीके से भून लें। और इसमें डालेंगे आप थोड़ा सा बस दूध, 1 लीटर में ले रही हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा दूध डालें और हिलाते जाएं क्योंकि लम्स ना पड़े, थोड़ा सा हिलाएं वरना गुठलियां पड़ जाएंगी। थोड़ा सा दूध ऐड करने के बाद और पूरा मैं ऐड कर दूंगी। फुल क्रीम मिल्क है मेरे पास यहाँ पे। मैं सूजी का इस्तेमाल इसलिए कम कर रही हूँ कि यह हमारी खीर है, क्योंकि ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी अब ज्यादा सूजी का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ 1 ही कप मैंने 1 लीटर के लिए यूज किया है। 1.5 लीटर मेरा दूध यहाँ पे मैं डाल चुकी हूँ। इसको अच्छी तरीके से पका लें, थोड़ा सा बस 3 से 4 मिनट पक जाएगा ये। उसके बाद आप डालेंगे चीनी। 3 से 4 मिनट में ही देखिए फ्लोइंग कंसिस्टेंसी जैसी हो चुकी है आपकी खीर बनके। उसमें डालेंगे आप, मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 पाउच चीनी। जितना आप मीठा पसंद करते हो उस हिसाब से डाल दें। थोड़ा सा बस चीनी पक जाए, घुल जाए, 2 से 3 मिनट पका लें। घुलने के बाद उसमें ऐड कर देंगे इलायची पाउडर 1 टीस्पून। इसको आप दूध की फिरनी कह लें या फिर दूध की खीर कह लें, 2 इन 1 है। उसमें ऐड कर 2 से 3 मिनट बस पका लें। ये ठंडी होके और भी ज्यादा गाढ़ी होगी। इसमें ऐड करूंगी मैं थोड़े से जो बादाम और काजू मैंने बनाए, ऐड कर दें। और किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं ये जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर करें।